फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं यहाँ अच्छी हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही टुकड़ा। देखिए शाही टुकड़ा में क्या क्या सामग्री लगता है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या क्या सामान लगते हैं। यहाँ पर मैंने 2 पीस ब्रेड लिया है, 4 इलायची दाने लिए हैं, मेजरमेंट कप से 2 कप दूध, चाशनी के लिए चीनी, ड्राई फ्रूट्स और यहाँ पर रिफाइन ऑयल, ये सब चीज़ लगेगा। तो देखिए मैं शुरू करती हूँ, मैं कैसे कर रही हूँ देख लीजिए। फ्रेंड्स देखिए ये जो ये ब्रेड है उसको मैं साइड से, इसका वो ब्राउन वाला हिस्सा इसको मैं काट लूँगी। देखिए ये ऐसे मैंने इसको ऐसे चारों तरफ से काट लिया, ये फिर इसको मैंने 2-2 पीस में काट लिया, फिर इसको भी इसी तरह साइड वाला हिस्सा इसका काट लेते हैं। ये साइड वाला हिस्सा काट लिए हैं, ये हुआ, इसको मैंने काट लिया और इसको भी 2 टुकड़ा में मैंने काट लिया। ये 4 टुकड़ा हो गया है, इसको हम साइड में रख देते हैं। फिर मैंने ये जो 1/2 कप मैंने शुगर लिए हैं इसको मैं चाशनी के लिए बना देती हूँ। देखिए यहाँ पर 1/2 कप शुगर में 1 कप पानी डाल दिए हैं, फिर इसको मैं गैस ऑन करके चाशनी बना लेती हूँ। ये जो टुकड़ा है इसको मैं तेल गरम करके छान लूँगी। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मेरा चाशनी पूरा चीनी मेल्ट हो गया है, ज़्यादा इसको गाढ़ा करना नहीं, 1 धागा 2 धागा कुछ देखना नहीं है, सिर्फ चाशनी बनकर तैयार हो जाना है। क्योंकि ये जैसे गुलाब जामुन में बनता है उसी तरह इसको कर देना है। ये देखिए ये हो गया है, चाशनी बनके तैयार हो गया है। इसको मैं साइड कर देती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और इधर जो 2 कप दूध लिए थे इसको गाढ़ा होना तक उबाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं गैस ऑन कर दे रही हूँ, इसको उबाल आने दीजिए और इधर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। कढ़ाई में थोड़ा रिफाइन ऑयल डाल देंगे, रिफाइन ऑयल डाल दिए हैं, इसको गरम होने दीजिए इसको, और उधर दूध बॉयल होना ज़रूरी है। ये थोड़ा जब गाढ़ा हो जाएगा तब इसको ठंडा होने तक रख देंगे। आप यहाँ पर कॉर्नेल्स मिल्क भी डाल सकते हैं, आप यहाँ पर मिल्क पाउडर भी दे सकते हैं, और यहाँ गाढ़ा होने तक, उसमें थोड़ा जल्दी गाढ़ा हो जाएगा तो मैं कुछ भी नहीं डाली। यहाँ पर मैं खाली दूध उबाल रही हूँ, ये अच्छी तरह उबाल आने से ये गाढ़ा हो जाएगा। इधर मैं तेल डाल दी हूँ, बस ये जो कटी हुई ब्रेड है इसको एक एक करके मैं छान लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए तेल गरम हो चुका है, दो दो ब्रेड करके मैं यहाँ छान लूँगी। थोड़ा ब्राउन कलर जब हो जाएगा इसको नीचे उतार दूँगी। देखिए फ्रेंड्स
बहुत जल्दी ये ब्राउन हो जाता है। ये देखिए, ये बहुत अच्छी रेसिपी है, खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए पूरा ब्राउन कलर हो चुका है। इसको मैं एक जगह इसको उतार दूंगी। फिर दो ब्रेड यहाँ डाल दूंगी। उधर मेरा दूध उबाल आ चुका है। दूध में ये जो चार इलायची मैंने मुंह खोल के रखा था, इसको मैं यहाँ पर डाल दूंगी फ्लेवर के लिए। दूध में उबाल आ जा रहा है, मेरा ब्राउन ब्रेड भी मेरा ब्राउन हो चुका है। इसको भी मैं उतार दूंगी। इधर मैं गैस ऑफ कर दे रही हूँ। दूध में थोड़ा एक चम्मच जैसा चीनी डाल दूंगी। और मैंने यहाँ पर जो चाशनी बना के रखी थी उसी में ये ब्रेड सब डाल के, गरम गरम चाशनी है यहाँ पर, ब्रेड डाल के मैंने इधर उधर करके, जैसे कि ब्रेड के अंदर भी मिठास आ जाए। ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे क्योंकि ये ब्रेड टूट जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये दूध मैंने जो उबाला था ये बनके पूरा तैयार हो चुका है और ये पूरा गाढ़ा हो चुका है। अब क्या करें ना, ये जो ब्रेड है इसके ऊपर हम कोट जैसा लगा देंगे, पूरा इधर चारों तरफ फैला देंगे। ये चारों तरफ मैं फैला दी। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये बनके तैयार हो चुका है। इसके ऊपर मैं यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स रखे थे इसको मैं डाल दूंगी। इसमें थोड़ा काजू है, थोड़ा किशमिश है, और आप लोग अगर चाहें तो आप टूटी फ्रूटी भी दे सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये मेरा बन के तैयार हो चुका है, शाही टुकड़ा बन गया ना। अब इसमें मैं थोड़ा देसी घी ऊपर से डाल दूंगी और टेस्ट बढ़ जाएगा इसका। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बन के तैयार हो चुका है। ये मेरा शाही टुकड़ा बन के तैयार हो चुका है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। आप भी बनाइए, आप भी ट्राई कीजिए, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे को कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। बस ये मैं रहती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर।